लाभार्थी सन्मान यात्रेचे आयोजन नागपूरच्या SRPF हिंगणा विधानसभा क्षेत्रात आयोजन करण्यात आले होते, जिथे महायुती सरकारच्या वतीने लोकांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना आणि नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची नोंदणी करण्यात आली. या कार्यक्रमात मॅजिक शो, विविध प्रकारचे खेळ, चहावर चर्चा, मेहंदी कला, मोठ्या LED स्क्रीनवर चित्रपट दाखवणे आणि इतर अनेक प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यात आले. हिंगणा वैशालीनगर गणेश चौकात लाभार्थी सन्मान मेळाव्याला लाडक्या बहिणींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. खेळ, मनोरंजन व इतर विषयावरील स्टॉलचा नागरिकांनी लाभ घेतला. कार्यक्रम प्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लाडक्या बहिणींनी देवाभाऊचे आभार मानले. मला 3,000 रुपये मिळाले, आताचे 1,500 रुपये मिळाले, त्याच्यात मी खुश आहे. जे घरात जे योग्यता ते पाहिजे होती त्याच्यासाठी मी खर्च केलेले आहे. खूप मोठा आनंद आहे. थँक्यू भाऊ. पूजा कारपेंटर, ये इंद्रनाथनगर. अच्छा लग रहा है अभी तो. ये रिंगा खेले, वो चाय पिए, और ये जो बाल्टी का वो उधर उसका खेले, और अभी बाकी है खेलना. हाँ ये ना 4,500, ये सिंधा सिंह ने दिया ना. अभी तो मैं उसके बारे में उतना जानती नहीं हूँ, तो क्या बताऊँ मैं इससे. अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पर आ रहे तो देख करूँगी जरूर. हाँ हो रहा ना. हाँ, मैं ममता रामडाले, मैं इंदिरा माता नगर हिंगणा रोड नागपुर से हूँ. मैं मेरे को मुझे लेक लाली बन के पहले बार 3,000 रुपये आए, और अभी इस बार ये महीने में 1,500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ. वो पैसे का मैंने अपने बेटियों के लिए एक खाता ओपन की और खाते में पैसे जमा की. मुझे बहुत आनंद हुआ इस लेक लाली के पैसे से. मैंने वो पैसे का बहुत अपने बेटी उनके लिए यूज में पैसे लगा. भाव भाव बीच के पैसे के लिए उसके लिए भी बहुत आनंद है. अभी दीपावली के इसमें बोनस के तौर से अभी मैसेज आया है. हाँ, उसके लिए मैं देवेंद्र फडणवीस और समीर मेघे अपने इसका इनका बहुत मैं अपने तरफ से बहुत धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद. हो, 3,000 खर्च केले.